जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए इंडियन नेवी की MR की जो भर्ती आई है 2023 में, यानी कि सेकंड बैच, तो अग्निवीर का सेकंड बैच आया MR की, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। इसमें टोटल दोस्तों 100 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, अग्निवीर के लिए है MR, इसमें 100 पोस्ट है जिनमें से 20 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी दोस्तों। इसमें देखो एजुकेशन है मेट्रिकुलर दोस्तों, इसके बाद एज क्या है दोस्तों, आपकी एज होनी चाहिए 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मेट्रिक स्टेज आपका मेट्रिक स्टेज उन्हें अनमेरिड होनी चाहिए, इसमें अनमेरिड कैंडिडेट ही चल रहा है, रिटेल स्टेट क्या होगा, अनमेरिड कैंडिडेट इसमें चाहिए दोस्तों। इसके बाद देखो दोस्तों अगले क्या है इसमें, ये कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, यानी कि द अग्निवीर सेल बी इन, यानी कि जो अग्निवीर की जो नियम है, यानी कि नेवी एक्ट 1957 बनाया गया, उसके तहत अग्निवीर में क्या होगा कि आपको अग्निवीर के तहत आपको वहाँ रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे अग्निवीर को रखा जाए 3 साल 5 साल के लिए, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, आप टेस्ट में पास होते हो ठीक है, नहीं होते हो तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ देखो लीव, इसमें 30 दिन का आपको छुट्टी मिलेगी पर ईयर, ठीक है दोस्तों। अप्लीकेशन फॉर अग्निवीर, एडिशनल सिक लीव मिलेगी दोस्तों, एडिशनल लीव मिलेगी, सिक लीव वुड यू अप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस, ठीक है मेडिकल। इसके बाद पे अलाउंस क्या होगा दोस्तों, पे अलाउंस होगा 30,000 per month होगा दोस्तों, 30,000 per month होगा, फिक्स्ड ईयर इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद इंक्रीमेंट लगता रहेगा, इसमें इंक्रीमेंट देखो कैसे कैसे है दोस्तों। फर्स्ट ईयर में आपको 3,000, 21,000, 9,000, 9,000 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पूरा फंड ये देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, यानी कि आपको टोटल 4 साल के लिए वहाँ रहना पड़ेगा। 4 साल में आपको कितना फंड मिलेगा दोस्तों, 5.2 लाख रुपये आपको वहाँ से दिए जाएंगे दोस्तों टोटल, ठीक है, इतने तरह का आपको मिल जाएगी 4 साल में दोस्तों। इसके बाद देखो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कवर, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिला है दोस्तों, कवर कितने 28 लाख फॉर ड्यूरेशन ऑफ देर अग्नि, यानी कि आप अग्निवीर के पीरियड के दौरान आपको 28 लाख का मिलेगा दोस्तों, ठीक है। डेथ पे आपको 44 लाख का मिलेगा, 48 लाख वन टाइम एक्स ग्रेंटेड ऑफ द 44 लाख, ठीक है। डिसेबिलिटी यानी कि वन टाइम एक्स, डिसेबिलिटी पर क्या होगा आपको 44, 25 और 15 लाख एक बेस प्राइस है, उसके हिसाब से डिसेबिलिटी के परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी कि कोई घटना हो जाती है, आपका हाथ पैर टूट जाता है उस टाइम में, तो उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो, इसके बाद दिया गया दोस्तों, ये तो सर्विस के बारे में दिया गया इसमें, ठीक है। नेवी आपको अग सर्विस में इनका स्टेटस दिया जाएगा दोस्तों, अग्निवीर का, ठीक है। उसमें आपको कई वैकेंसी में आपको छूट मिलेगी, ठीक है। मेडिकल एंड CDS फैसिलिटीज दी जाएगी आपको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, स्टेज फर्स्ट इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, सोशल कैंडिडेट के लिए। उसके पहले आपको एक टेस्ट होगा, उसमें स्टेज फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों। तो देखो बताते हैं आपको, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों उसमें, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड विथ टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इच कैरी 1 mark इच, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। टाइप मल्टीपल चॉइस आप द क्वेश्चन पेपर भी कमर को 2 सेक्शन आए इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल एवरेज, जिसमें साइंस मैथमेटिक्स और जनरल एवरेज आएगी दोस्तों, ठीक है। आप इसकी जो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, 10th का इन 10वीं क्लास का सिलेबस आएगा, आप इसको इस पर www.joininindiannavygovernment.in पर आप www.navy.cds पर आप जाके इस पर अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट, 30 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका सेकेंड होगा, देखो फॉर्म भरने का तरीका होगा, ठीक है दोस्तों। एग्जामिनेशन फीस होगा, ठीक है, और देखो इसमें जाएगा। इसके बाद देखो आपके यहाँ की आप फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए दोस्तों, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर रेस करनी पड़ेगी। फीमेल के लिए 8 मिनट मिलेंगे इसमें, ठीक है। आपका उठक बैठक होनी चाहिए 20 और 15 इसमें, ठीक है। सेटअप से पुशअप होनी चाहिए दोस्तों 15 मेल के लिए, फीमेल के लिए कुछ नहीं है। नी बेंट नी सिट अप सेटअप होगी इसमें, फीमेल के लिए 10, ठीक है, इसमें मेल के लिए नहीं है दोस्तों। रिक्रूटमेंट मेडिकल स्टैंड आपका मेडिकल स्टैंड में 21 मिनिमम पीरियड होगा, 21 दिन ही नहीं, 21 दिन के अंदर आप विथिन आपको वहाँ पर मेडिकल होगा दोस्तों। मेडिकल बहुत स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है न्यू में, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी 30 अक्टूबर तक दोस्तों, 30 अक्टूबर तक इसमें मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आपको उसके बाद ज्वाइनिंग बता दी जाएगी, ठीक है। फिर फाइनली रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा, उसके आपको INS चिका कैंडिडेट वहाँ से आपको भेज जाएगा, मेडिकल होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों और मुख्य बातें इसकी, ये दोस्तों इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी।
ये थी दोस्तों इंडियन नेवी के MRK फॉर्म से मुख्य बातें जुड़ी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।